बाद मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ जा रहे हो? नानी घर। अच्छा, तो आप बहुत हैप्पी हो? हाँ। और आप हैप्पी नहीं हो? आज मैं जा रहा हूँ ट्रेन में, मेरी ट्रेन की चट्टे जरूर देखना, मेरे साथ चुपके रहना। और हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और हमारी ट्रेन अभी राइट टाइम पर ही है और हम एक घंटा के आसपास थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। तो हम पहले कुछ खा लेंगे स्टेशन पे ही, देन उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे। और हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ पे बच्चे मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए और मुझे लेकिन भूख लगी हुई है काफ़ी तेज़। हम खाना नहीं खाने आए हैं। कभी क्या खाने आए हो? पेस्ट्री। तो खाना नहीं खाना है आपको क्या खाना है? और यहाँ पे मेरी बेटी कल से उसने मेहंदी लगाई हुई है तो वो बार बार अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है मेकअप एंड मेहंदी वगैरह, तो वो ऐसे ही थोड़ी सी फैशनेबल बन के कहीं भी जाती है। और यहाँ पे ले रहे मेरे हस्बैंड छोले भटूरे। ये आई हमारी छोले भटूरे, यम्मी यम्मी। और ट्रेन एकदम राइट टाइम पर थी तो हमने फटाफट से छोले भटूरे खाए और हम आ गए अपने ट्रेन के पास और फटाफट से हम लोग बैठे। और बच्चों ने यहाँ पे लिए थे फ्रेंच फ्राइज जो कि वो पूरे फिनिश नहीं कर पाए थे, तो आने के बाद ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ के उन लोगों ने खाए, पूरे ठंडे हो गए थे। तो मैं खाने लगा था फिर मेरी ट्रेन आ गई, फिर मैं ट्रेन में खा रहा हूँ। और यहाँ पे बच्चे अपनी नानी से बात कर रहे हैं फोन पे। मेट्रो में नहीं बैठे, ट्रेन में बैठे हैं। देखो यार ट्रेन चल गई है, बाहर देख। हाय दोस्तों, हमको शीट मिली है, हम बड़ा के ड्राइंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो आर्या? आप भी ड्राइंग कर रहे हो? और अभी हो चुका है डिनर टाइम, 9:30 बज चुके हैं, तो खाना खाने का टाइम हो गया है। खाना मैं घर से बना के लेकर आई थी तो बच्चों को भी भूख लगी है, उसके बाद सुलाना है दोनों को, तो सोचा पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद एक ही बार सो जाएंगे। बच्चों के लिए ट्रेन में बैठना एज लाइक मतलब पिकनिक हो जाती है, कभी कुछ खाना है तो कभी कुछ खाना है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लगा ही रहता है। और सोने का तो कोई टाइमिंग ही नहीं है, एक घंटा सोए वापस से उठ गए, कभी कुछ खा रहे हैं कभी उठ रहे हैं सो रहे हैं, मतलब लगा हुआ ही है यार कुछ ना कुछ। और खाने में मैं सिंपल सा एकदम खाना बना के लेकर आई थी, आलू की सूखी सब्जी और पराठे और साथ में कुछ नमकीन अचार वगैरह लेकर आई थी ताकि ख़राब ना हो अगर लंबे टाइम तक भी रखना पड़े। और हमने डिनर किया आराम से और खाना वगैरह खाने के बाद मैं हो गई थी फ्री एकदम। और सोने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कुछ मूवी देखी जाए, तो मैंने डाउनलोड कर ली थी OMG 2, तो मैंने 3 घंटे पूरा 2.5-3 घंटे उसी में टाइम पास किया, उसके बाद ही मैं सोई। और यहाँ पे एक सीट पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों खाना खा रहे हैं और दूसरे साइड में और मेरी बेटी खा रहे हैं, तो डिवाइड हो चुके हैं सीटें, यहाँ पे एक ने पापा को पकड़ लिया और एक ने मम्मी को। तो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में। और लकीली ट्रेन भी राइट टाइम पर ही पहुंची, हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन पे और यहाँ मेरा भाई आ गया है हमें लेने के लिए। और उसको भी पता नहीं है मैं शूट कर रही हूँ, जैसे ही वो मुझे देखेगा देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है। अभी तू तो हीरो है, हीरो है, हीरो तो हीरो ही रहता है कैसी भी हालत में। हम लोग बिल्कुल घर के पास पहुंच गए, बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों को, मजे आ रहे हैं, नानी घर पहुंचने वाले हो। नानी घर आ गया? हाँ। अब तो नहीं आई उल्टी, आ जा देखो मैं आपको। कौन आया? पीछे हटो, मासी हो गया। अरे नमस्कार कौन करेगा? नमस्कार।
चलो साइड में चलो। और यहाँ पे रियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और काफ़ी चिल्ला रहा है हम लोगों को देख के, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सोच रहा है कब ऊपर आएंगे। चलो 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 अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग।